छत्तीसगढ़ के कोरिया से जहां नलकूप खोदने के 4 घंटे बाद उसी जगह पर आग की लपटें निकलने लगी। इस आग को देखकर मजदूर और ग्रामीण भी हैरान रह गए। ये पूरा मामला कैलहारी के पास का है। आग की जानकारी लगने के बाद मौके पर पुलिस के जवान पहुंचे। गैस रिसाव की आशंका के चलते आग लगना बताया जा रहा है। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन काफी देर तक लोग यही सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर ये आग लगी कैसे। तो नलकूप खुदाई के कुछ ही घंटे बाद आग की लपटें तेज हो गई। मजदूर और ग्रामीण इस बात को देखकर हैरान हो गए। तो नलकूप खुदाई के कुछ ही घंटे बाद अचानक से आग की लपटें तेज हो गई, अपने आप ही आग लगी। माना जा रहा था कि गैस रिसाव की वजह से आग लगी होना हो सकता है, लेकिन काफी देर तक किसी के समझ ही नहीं आया कि आग कैसे लगी। और ज्यादा जानकारी के साथ स्वरा समता दिनेश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या अब तक ये मालूम हो पाया है कि आग कैसे लगी थी? बताना चाहूंगा कि ये एक गांव है जो कल बोरिंग के लिए वहां पर खुदाई की गई बोरिंग मशीन द्वारा, और जब खुदाई चालू की गई तो देखा गया कि अचानक उसमें आग की लपटें निकलने लगी। जब वहां के आसपास के ग्रामीणों को मालूम चला तो उन्होंने सोचा ये तो बड़ी हैरान वाली बात है, जिसके बाद इसकी जानकारी प्रशासन को दी गई और वहीं अभी इस समय वहाँ रेस्क्यू टीम लगी हुई पता करने में लगी हुई कि आग का कारण क्या है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए दिनेश।